एक समस्या जो आमतौर पे जितने भी भारत में लोग हैं, जो भारत के देसी लोग हैं, उनके सामने आती है जब वो कहीं अपना परिचय में ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की फिलॉसफी को या बुद्ध के दर्शन को या बुद्ध के दर्शन को मानता हूं, प्रैक्टिस करता हूं, और आप चाहें तो मुझे बुद्धिस्ट कह सकते हैं, बोधी कह सकते हैं। तो लोग उनसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि आप बुद्धिस्ट कब से बने। ये सवाल कई बार लोगों ने मुझसे फोन पर पूछा है कि इसका जवाब मुझे बताइए, क्योंकि लोग काउंटर में पूछते हैं कि आप बुद्धिस्ट कब बने। दरअसल जब कोई व्यक्ति ये पूछता है कि आप बुद्धिस्ट कब बने, तो वो ये पूछना चाहता है कि पहले आप उसका जवाब दें कि बुद्धिस्ट कब बने, तो उसका अगला सवाल तैयार है। वो पूछेगा आप उससे पहले क्या थे। सपोज आपने कहा कि हम तो 100 साल से पहले थे या 50 साल पहले थे या 30 साल पहले बने, तो पूछेगा उससे पहले क्या थे। उसका मकसद ये पूछने में नहीं है कि आप बुद्धिस्ट कब बने, क्यों बने, कैसे बने, अच्छे बने, खराब बने। उसका मकसद है मनोवैज्ञानिक रूप से जात तक जाना, जाति तक जाना। वो जाति तक और जात तक पहुंचना चाहता है, मगर थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में घुमा के पूछना चाहता है। वो सीधा नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सज्जन है। अगर वो दुर्जन होता तो तुरंत पूछ लेता, थोड़ा सज्जन है। और वो जाति आपकी पूछेगा, आप कहेंगे कि हमारी तो कोई जाति है नहीं, तो वो कहेगा नहीं कुछ तो होगी, फिर बिना जाति का तो कोई होता नहीं। फिर वो कहेगा, आप बेशक उससे कहें कि भाई भारत में देवताओं की जाति नहीं होती, आप बताओ, तो वो कहेगा नहीं नहीं वो छोड़ो बात, आप बताओ कि कोई जाति तो होगी। अच्छा आप आरक्षण का फायदा लेते हैं तो उसमें तो कोई जाति होगी। ऐसे करके वो आपकी जाति तक आना चाहेगा। दरअसल वो जाति पे क्यों आना चाहता है और आपको क्या करना चाहिए। तो जाति पर तो इसलिए आना चाहता है क्योंकि जाति का एक मनोवैज्ञानिक फिनोमिना है, एक मनोवैज्ञानिक जो दर्शन है, एक मनोवैज्ञानिक तरीके से काम करती है कि अगर जाति, उसकी जाति बड़ी है और आपकी छोटी है, जैसा कि हवा में चलती है, कहीं लिखित में नहीं होती छोटी बड़ी, ये ध्यान रखना, कहीं किसी किताब में, किसी ग्रंथ में, कहीं दुनिया में लिखी नहीं है। जातियां तो अभी थोड़े से समय की पहले की जात है, बुद्ध के समय तो कोई होती नहीं थी, और बुद्ध के बाद भी 1000-1200 साल तक कहीं कोई जाति नहीं थी। 700-800 साल पहले कहीं छोटी मोटी जातियां बननी शुरू हुई हैं। तो अगर आपकी जाति छोटी घोषित रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से हवा में है और उसकी बड़ी है, तो बड़ी जाति को फायदा होगा। ये सिद्धांत हवा में बना हुआ है, ये ध्यान रखना, हवा में बना हुआ सिद्धांत है। आप मानते हो, वो मानता है, इसलिए सिद्धांत है। अगर आपने मानना बंद कर दिया तो सिद्धांत खत्म, और उसने मानना बंद कर दिया तो सिद्धांत खत्म। दोनों के मानने से हवा में तरंगे चल रही हैं, यानी करंट पास हो रहा है दोनों के मानने से। एक आदमी ने अगर मानने से मना कर दिया तो दूसरे का करंट दूसरे के पास जाके उसको खत्म कर देगा, और दोनों ने मानना बंद कर दिया फिर तो बात ही अलग होगी। तो वो अगर आपका, उसकी जाति बड़ी है तो उसकी तरफ करंट बहेगा, उसे फायदा होगा, और आपकी जाति बड़ी है तो उसकी जो ताकत है वो आपकी तरफ बहेगी मनोवैज्ञानिक रूप से, तो आपको फायदा होगा। पूछता तो वो इसलिए है, नीचा ऊंचा मन में दिखा के फायदा लेने के लिए। मगर आप क्या कहें बेसिकली, क्योंकि आप तो वो कहेंगे जो सच है, और सच क्या है। सच ये है कि भगवान बुद्ध की जो 2600 कुछ साल पहले की जो फिलॉसफी जो भगवान बुद्ध ने दी थी, उसके बाद में भगवान बुद्ध ने जितने भी लोगों को वो दर्शन सिखाया और वो बात सिखाई, वो लगभग पूरे भारत ने, बृहद भारत ने, बड़े भारत ने, अशोक के भारत ने, सभी ने इसको सीखा और सभी ने माना। तब तक यहाँ ना तो कोई ईसाई था, ना यहाँ कोई मुस्लिम था, और ना ही यहाँ कोई ऐसा शब्द था जो आज के समय में कुछ लोग चलाते हैं, वो शब्द भी यहाँ नहीं था। ये शब्द थे ही नहीं यहाँ, थोड़े बहुत जैन थे, जैन के जैन से नाम से नहीं थे, निकटनाथ के नाम से थे। तो आपसे वो पूछे, इससे पहले आप उससे काउंटर करके पूछिए, क्योंकि ये भगवान बुद्ध की पॉलिसी है। भगवान बुद्ध बहुत सारे सवालों का जवाब सीधे देते थे, बहुत सारे सवालों का जवाब वो मौन लेके देते थे, बहुत सारे सवालों का जवाब वो सवाल करके देते थे, और बहुत सारे सवालों का जवाब वो किसी का उपमा उदाहरण देके देते थे। तो इसमें जो टेक्निक है वो ये है कि आप काउंटर क्वेश्चन कीजिए, आप उससे पूछिए कि आप बताइए आप क्या हैं। ये मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैंने सबसे पूछा है काउंटर, और मैं इस पर रिसर्च करता रहता हूं। वो रिसर्च 100% पूरी तरह से खरी है। जब आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आप बताइए अपने बारे में, तो वो क्या बताएगा अपने बारे में, अपना नाम बताएगा, पता बताएगा। फिर आप पूछिए कि आप अपना नाम है आपका ये, या आपका जात है या गोत्र है, तो उसके बारे में बताइए, तो वो बताएगा, जैसा भी उसका होगा वो बताएगा। फिर पूछिए कि भाई जे ये गोत्र आपने लगाए कहाँ से आया, तो वो बताते बताते कहीं रुकेगा।
जहां वो रुकेगा उससे पूछिए कि भाई इनका गोत्र कहां से आया, या इनका नाम कहां से आया, या इनकी जाति कहां से आई। अब वो इससे आगे नहीं जानता, क्योंकि है ही नहीं। जब है ही नहीं तो बताएगा क्या, उसे पता ही नहीं। जानता है वो, मगर है नहीं तो बता नहीं सकता। तो वो एक किसी गणमान्य व्यक्ति पे जाके रुकेगा, कोई राजा होगा या कोई ऋषि होगा। कहेगा वो राजा थे तो उनके वंशज, उनके खानदान के, उनके कुल के, उनके गोत्र के चल रहे हैं। या कोई ऋषि थे, कोई इसी थे कोई, तो कहेगा हम उनके ऋषि के नाम पे हमारा ही वंश चलता है। तो ऋषि तो वैसे तो शादीशुदा नहीं होते थे, मगर अगर कोई शादीशुदा ऋषि है भी, उसका कुल चल भी रहा है तो मान लेते हैं। तो बात यहां खत्म नहीं होती। अब उनसे ये पूछना है कि राजा किस कुल के थे, राजा का गोत्र क्या था, राजा का जाति क्या था, या जो इसी थे जिनके नाम पे आपका गोत्र चला है, कुल चला है, उनका जाति क्या था, उनका गोत्र क्या था, उनका कुल क्या था, उनका वंश क्या था। बस अब वो जवाब नहीं दे सकता। दुनिया में 40 साल हो गए, कोई माइकलाल मुझे आज तक नहीं मिला जो उससे आगे जवाब देता, और मैं खूब ढूंढता हूं। वो अपने ही जवाब में उलझ जाता है, मेरी तो सुनेगा क्या, मेरे से पूछेगा क्या, क्योंकि उनको किसी को भी कुछ नहीं पता कि कहानी क्या है क्या नहीं है, सब हवा में चल रहा है मामला। तो आप डरे ना, अगर कोई आपसे पूछता है कि आप बुद्धिस्ट बनने से पहले क्या थे, तो आप काउंटर क्वेश्चन करें कि भाई आप पहले बताओ कि आप क्या हो। और जब आप उनसे पूछे तो पूछते चले जाएं, आखिर में आके वो कहीं नहीं रुकेंगे, बिखर जाएंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं। और आप अपना बताइए उनको कि सम्राट अशोक ने जो पद्धति अपनाई भगवान बुद्ध की, और भगवान बुद्ध ने जो जगह जगह सिखाई, हमने वो पद्धति सीखी, वो पद्धति सीखने के बाद में हम उस पद्धति में, उस सिद्धांत में, उस पर्यत्ति में, उस पटिपत्ति में आ गए, उस फिलोसफी में आ गए, उस थीसिस में आ गए, और उसको सीखने के बाद में जिसको आप बुद्धिस्ट कह रहे हैं वो हम हो गए। तो हम उस समय से हैं जब भगवान बुद्ध थे, और उसके बाद से हैं। पहली बार वो पूछेगा उसके बाद, उससे पहले क्या थे आप, तो उससे पहले आप क्या थे, उससे पहले दो काम करते थे आप, या तो आप क्या थे, खेतीय थे, खेतीय मतलब खेत में काम करते थे, और या आप लुड्डक थे, यानी कि शिकारी थे। तो लुड्डक थे आप, या जंगल में जाके छोटा मोटा शिकार करते थे, या जानवर वगैरह खाल वगैरह लेके आते थे। लुड्डक थे या कसक थे, यानी खेतीय थे या शिकारी थे, बस इसके अलावा और कोई दो काम में से तीसरा काम था ही नहीं। छोटे मोटे काम बहुत बाद में बने हैं, जैसे लोहा आ गया, तांबा आ गया, तो कारपेंटरी बढ़ई का काम स्टार्ट हुआ, छीलने छालने काम हुआ, या कपड़ा आया तो कपड़ा बुनने का काम हुआ, पहले तो खाली पहन लेते थे, या अगर कहीं कोई सामान को पैदा करने का रखने का काम हुआ तो बाद में हिसाब किताब का काम हुआ। ये सब बात की बातें हैं, ये राजकाज, ये सब बात की चीजें हैं, उससे पहले नहीं। तो दो काम होते थे। तो खेतीय को संस्कृत भाषा में बाद में खेत को क्षेत्र कहा गया, तो खेतीय को क्षेत्रीय कहा गया। तो कहना भाई हम खेत वाले हैं, हम क्षेत्र वाले हैं, हम खेत वाले हैं तो खेती हैं, और क्षेत्र वाले तो क्षेत्रीय, दोनों का मतलब एक ही है। कसक भी बोलते हैं इसको, कसक माने जो कसता है, यानी जो जमीन को कसता है, जमीन को खोदता है, वो कसक है। कसक मजदूर भी हो सकता है, कसक कोई आदमी ठेके पर भी कर सकता है। तो जो खोदता है, जो कसता है जमीन को, उसको कसक बोलते हैं। आज के समय में तो जो खेती है उसी को कसक बोलते हैं, जिसका खेत है उसको कहते हैं किसान है। किसान में और खेती में अंतर है, खेत जिसने बनाया है वो खेत का मालिक हो गया, वो खेती हो गया, वो क्षेत्रीय हो गया, तो वो क्षेत्रफल वाला हो गया। तो बाद में इसको फिर जब लठ आया, और लठ के साथ में जो ठपैत करके खड़े हुए लोग, लठ ठपैत और लठ ठपैता और लठ ठपैती और फिर ठपैती से ठापुत, ऐसे करके लपैट लपैट करके, ठपैत करके, ठपराल करके, ठपैत करके, ये शब्द बाद में बिगड़ते चले गए। और लठ वाले लोग जो ठपैत और खड़े होते थे उनको अलग करके बोलने लगे, वो अलग एक किस्म बनी। तो उन्होंने अपने आप को फिर क्षत्रिय कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जिसके भी क्षेत्र पे कब्जा कर लिया फिर वो क्षत्रिय हो गए। ऐसे करके चीजें चली हैं। तो उससे पहले आप क्या थे, किसान थे, खेतीय थे, या आप शिकारी थे, लुड्डक थे, बस दो में से तीन काम है, आपका बताने का काम खत्म हो गया। और बीच में आपका, चूंकि सब चीजें चली गई, आपका जानकारी चली गई, आपकी जानकारी थी नहीं, वो मिसप्लेस हो गई, खो गई, बता नहीं पाए, समझ नहीं पाए, अक्षर ज्ञान चला गया, वो बीच की कहानी है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं, आपके पास किताब ही नहीं, आपका इतिहास नहीं, ज्ञान नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको जो इतिहास खोद के लाए वो पता चला, और जो पाली में जो भगवान बुद्ध ने जितना इतिहास आपको दिया वो निकल के बाहर आ गया, अभी आया है, ज़्यादा देर नहीं हुई है उसको, तो उससे आपको पता चला कि आप लोग कौन हैं और कैसे हैं। तो ये सवाल का जवाब बहुत सिंपल, बड़े पोलाइट तरीके से, बड़े शांत तरीके से आप दीजिए। आप कब से बुद्धिस्ट हैं? जब से बुद्ध हुए तब से आप बुद्धिस्ट हैं। और आप उससे पहले क्या थे? आप खेतिय थे, और या आप लुड्डक थे, आप शिकारी थे, सभी लोग थे आप ही क्या थे, जितने भी भारत में थे सभी थे। भारत से जो बाहर से लोग आए हैं वो कुछ और थे। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं,
और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.